पहले ये जो फेंस लगी हुई है ये नहीं थी होती, तो हम लोग नीचे चले जाते थे। अभी भी कई जगह से टूटी हुई है। किधर आए हैं ये अनिल जी? किधर आवाज आ रही है? चूचू की आवाज आ रही है। यहाँ पे एक पौधा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सुना है कि कैंसरियस होता है, मतलब इसका जो फ्रूट है ये रेड रेड, ये खाएं तो इससे कैंसर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे ये जो रेडिश कलर आ रहा है और इसका मतलब ये पकने के करीब है। इसके भी बाजू जो है वो बिल्कुल इन दोनों के ठंडे हुए हैं, ये भी भागते रहे और पसीने की वजह से जो है बाजू इनकी ठंडी हुई है। तो अब टाइम शॉर्ट है भाई, क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल में मेरे लिए खाद ये काफ़ी होगी, मतलब मेरे पौधों के लिए। तो रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूँ कामरान, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी जो है मैं लेने आया हूँ खाद, गोबर के ढेर के पास खड़ा हूँ क्योंकि पौधे जो हैं उनको खाद की ज़रूरत होती है और आगे सीज़न में खाद मिलती नहीं है। और अभी जून है, इस मौसम में भी बहुत गर्मी होती है, लेकिन आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा चलें और ये ज़रा ज़ोर वाला काम है तो बाइक में तोड़े हुए भर के ले जाऊँगा तो मेरा निज़ाम अच्छा चल जाएगा, क्योंकि गार्डनिंग तो मेरा शौक़ है और खाद जो है वो ज़ाहिर है गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो खाद की अहमियत तो आप लोग जानते होंगे। सो खाद लेके जानी है और फिर देखते हैं, आज मौसम अच्छा है, हो सकता है जॉगिंग के लिए जाएं, बट वो अभी कंफर्म नहीं है। सो पहले जो काम करने आए हैं वो करते हैं और फिर अगला देखते हैं। तो ये रही जी गोबर की खाद, पौधों के लिए सबसे आला चीज़ है। तो मैं थैले वगैरह दो तीन लेके आया हूँ तोड़े, ये बेलचे से भरूँगा, एक किधर डालूँगा, एक उस साइड पर एक ऊपर बड़ा, और ये लेके चलेंगे घर। यहाँ से दो तोड़े मैंने भरे हैं, एक ये और एक ये। अब ये बड़ा तोड़ा है तो ये मुझे एक बंदे ने बताया कि वहाँ पे जो है खाद अच्छी है पुरानी, मतलब कि गली सड़ी हुई, तो उधर चलता हूँ पहले देखता हूँ अगर वहाँ से कोई खाद मिलती है मुनासिब मकदार में तो वहाँ से डालते हैं, अदरवाइज फिर यहीं से ये तोड़ा भी भरते हैं। वो खड़ा किया है बाइक, गन तो काफ़ी है लेकिन खाद भी लाजमी चाहिए, तो इस खाद की वो बात कर रहे थे आई थिंक। और यहाँ पे ये चिपकली है बड़ी खूबसूरत, पता नहीं जहरीली भी ना हो कहीं चली गई है। चिपकली से हमारा लेना देना तो नहीं है, ये खाद का ढेर आ गया। और वाकई नवीद भाई की बात ठीक है, ये खाद ज़बरदस्त है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है स्पाइडर भी यहाँ से निकला है, किंग घुस गया। हमारा चीता हो गया लोड, मेरे ख्याल में मेरे लिए खाद ये काफ़ी होगी, मतलब मेरे पौधों के लिए। तो अब नापते हैं घर का रास्ता। मैं ये सोच के आया था कि मौसम ठीक है लेकिन पसीने से हालात आज के भी आप देख सकते हैं क्या है, काम में अच्छा मौसम हो या बुरा एक ही हिसाब होता है। सो खाद के थैले लेके घर पहुंच गया, ये मैंने रख दिए हैं, अब इनको कहीं लगाना ठिकाने और उसके बाद एक बिल है, दो बिल है बल्कि वो देने हैं। और अल्लाह करे यार धूप ना निकले, क्योंकि बादल जो हैं वो छट रहे हैं और अगर धूप निकले सुबह बारिश होने के बाद तो पहले से ज़्यादा गर्मी और हबस हो जानी है। सो इस साइड पर तो बादल आए हुए हैं और इस साइड से सारे छट गए यार। लीची देख के ना मेरा दिल खुश हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर अभी हल्का हल्का जो रेडिश कलर है वो पकने की एक निशानी है, एक लीची की वो आ रही है। तो 10 मिनट की है, किसी अच्छी नस्ल का पौधा है इसको, अब जस्ट वो मैंने जगह बना दी है, तैयार कर दी है, इसमें खाद वगैरह डालनी है हार्वेस्ट के बाद। और फिर नेक्स्ट जनवरी में इंशाल्लाह इसकी फ्लावरिंग से पहले जो है इसमें DAP पोटाशियम और कोई कंपोस्ट जो खाद है वो डाल दूँगा और साथ ये जो है तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे ये जो रेडिश कलर आ रहा है और इसका मतलब ये पकने के करीब है, ये वाली भी, ये बाकी कुछ पौधे के अंदर हैं लेकिन वो उस तरह से नज़र नहीं आएंगी। ये जो बाहर बाहर है सामने सामने, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, माशाल्लाह बोल दीजिएगा। मेरा काफ़ी सारा फ्रूट जो है वो इस तरह होके गिर भी गया है लेकिन कुछ बच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। फेस तो फ्रेश हो गया थोड़ा और लेकिन तबीयत अभी थोड़ी बोझल है,
तो अभी जो है गाड़ी करनी है स्टार्ट, थोड़ा कपड़ा मार के और चूज़ों को जो है इनको भी साथ ले जाऊंगा, और साथ इनके जो है मामू है वो साथ जाएगा, वो इनको संभालेगा और मैं कर लूँगा जॉगिंग, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जॉगिंग वगैरह नहीं की, ना एक्सरसाइज ना वॉक हो सकी है। तो आज मेरा इरादा है कि जो बोझलपन है तबीयत का उसको थोड़ा कम किया जाए, तो वो कम तभी होगा जब कोई एक्सरसाइज होगी या जॉगिंग वगैरह होगी। तो चलें, इनका मामू आता है तो फिर निकलते हैं। तो जी अपने ट्राइब के पहुंच गए हूँ मैं जॉगिंग के लिए रावल डैम। सो पार्क आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा लगता है, जॉगिंग का मज़ा आएगा। सो बच्चों को भी साथ में ले आया हूँ, ये रहे बच्चे और इनको कहीं इसके साथ मामू है सनी, इन दोनों को छोड़ेंगे इसके पास और फिर मैं जो है इजीली टेंशन फ्री होकर जॉगिंग कर लूँगा, कि काफ़ी अर्से से टाइम नहीं था मिलता और बच्चे जो हैं वो भी तंग हो रहे थे, इन्हें भी कहीं आउटिंग के लिए नहीं लेके जा सका। तो आज मैंने सोचा यार मैं जा भी रहा हूँ तो साथ इनको भी ले जाऊँ। किधर आए हैं यहाँ जी, किधर आवाज़ आ रही है, चूचू की आवाज़ आ रही है, चूचू क्या कह रहे हैं? वो सामने है। इधर सामने है, अच्छा आ जाए। अरियान आई लव यू, किधर आए हो? अच्छा ट्रैक है वो ऊपर है, और लेकिन हमने इस साइड से जाके ऊपर जाना है क्योंकि यहाँ से तो थोड़ा दूर पड़ जाएगा, दूसरा रास्ता गंदा इस साइड पे, तो इस साइड से चलते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस थी जो उनके मुताबिक जो है आज बिल्कुल खाली है ट्रैक, मज़े की ठंडी हवा चल रही है क्योंकि सुबह जो है बारिश हो गई है, अभी भी साइड्स पे थोड़ा बहुत पानी खड़ा है, और जो एक महक है इस्लामाबाद शहर की खुशबू उसका जो है मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ कोई हो अगर जहाँ पे आपने 3 राउंड करने हैं वहाँ पे 4 लगा सकते हैं 5 लगा सकते हैं, अकेले में थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है बंदा बोर हो जाता है, लेकिन अगर बंदा कमज़ोर हो आपके साथ तो फिर जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आप 3 भी नहीं कर सकते, एक राउंड भी पूरा नहीं कर सकते। चले 2 या 4 राउंड गाते हैं और फिर चलते हैं। सो यहाँ से रावल डैम का जो व्यू है ना, पुरसकून बिल्कुल पानी है। पहले ये जो फेंस लगी है ये नहीं थी होती तो हम लोग नीचे चले जाते थे, अभी भी कई जगह से टूटी हुई है, जा सकते हैं लेकिन यार अभी इधर जाने का टाइम नहीं है। जो टाइम थोड़ा बहुत है जितनी ज़्यादा जॉगिंग हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक तो आज मौका बहुत दिनों बाद मिला है, फिर पता नहीं नेक्स्ट वीक में आने हो ना आने हो, क्योंकि काम का बर्डन बढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ज़रूरी है और सेहत जो है ये काम से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेहत है तो काम है, सेहत नहीं है तो डेफिनेटली काम भी नहीं होगा। तो लेकिन मुझे थोड़ा दूर आना पड़ता है घर से जॉगिंग वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ आके जो रास्ते में आते हुए टेंशन परेशानी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सुकून है, नेचर है, परिंदों की आवाज़ें हैं और मज़ा है। यहाँ से ये वाला जो जज़ीरा नज़र आ रहा है, ये वाला ये बिल्कुल अभी पानी बहुत कम हुआ है, क्योंकि इसका ये वाला जो दरख्त है मुझे याद है ये यहाँ तक नज़र आता होता है, इससे नीचे नज़र नहीं आता अभी, क्योंकि पानी बिल्कुल ड्राई हुआ है उस वजह से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, 2 बंदे तो ये सामने बैठे हुए हैं और 1-2 ये खड़े हैं, और भी जो है इस ये जो कोस्ट है डैम का जो किनारा है इसके साथ साथ बैठे होंगे, लेकिन वो यहाँ से क्योंकि नीचे हैं उस वजह से नज़र नहीं आ सकते, और
फ़िशिंग के लिए बोट वगैरह, ये फ़िशिंग बोट नहीं आई थिंक, ये कोई डैम इंतज़ामिया के लोग हैं मेरे ख्याल में। और लेकिन यहाँ पे आके मज़ा आ गया। और जो मरगला हिल्स का यहाँ से व्यू है, मरी का व्यू है, इसका तो मोल ही नहीं है। सो जॉगिंग हो गया कंप्लीट, इन शहजादों की भी आई लव यू और मेरी भी। तो पसीना जो है आज उस तरह से नहीं आया क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था। इसके भी बाजू जो है वो बिल्कुल इन दोनों के ठंडे हुए हैं, ये भी भागते रहे और पसीने की वजह से जो है बाजू इनकी ठंडी हुई है। तो अब टाइम शॉर्ट है, क्या कर रहे हो पावरफुल हो गए हो। तो आर्यन ने भी एक्सरसाइज की है ना। अब चलते हैं वापस, यहाँ पे एक पौधा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सुना है कि कैंसरियस होता है, मतलब इसका जो फ्रूट है ये रेड रेड, ये खाएं तो इससे कैंसर होता है। और पोलन एलर्जी जो है उसका भी बायस यही बनता है। इस्लामाबाद में ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो पोलन एलर्जी के। ये वाला फ्रूट है, आप में से शायद किसी ने देखा हो ये, तो डॉक्टर्स मना करते हैं खाने से। मैंने डॉक्टर से नहीं सुना, वैसे ही मतलब कुछ लोगों से सुना है, बड़ों से। और हो सकता है, पता नहीं अब इस पर कितने परसेंट सच्चाई है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसे अवॉइड ही करता हूँ। तो लेट हो रहा था बट बच्चों को अपना मुश्किल मिल गया, तो चले इनको यहाँ पे स्लाइड वगैरह पे थोड़ा झूले वगैरह लेते हैं तो फिर चलते हैं। क्या बेटा हरियाण ऊपर जा रहा है, लेट हिम गो बेटा। चूँकि तो अरमानू पे पानी फिर गया क्योंकि ये वाली स्लाइड वहाँ से टूटी है और ये वाली दोनों यहाँ से टूटी हैं, तो ये तो डेंजरस है, लिहाजा उस वाले पे बिठा देते हैं। परिंदों का भी घर का टाइम हो गया, घोंसलों का और हमारा भी, तो हम नापते हैं घर का रास्ता क्योंकि अंधेरा होने से पहले मम्मी लोग घर पे अकेले हैं तो घर पे पहुंचना है। तो मैं पहुंच गया हूँ गाड़ी के पास और मगरिब की अज़ानें जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और अंधेरा भी होने को है। वो बच्चे जो हैं वो बिगड़ गए हैं वो कह रहे हैं जी कि झूला हमने लेना है, अभी भी मामू के साथ बाहर खड़े हैं। और ये आ गया एक शहजादा और दूसरा जो है वो बिगड़ा हुआ बाहर खड़ा है। तो अब देखते हैं क्या करूं यार, मैं इसी वजह से इनको नहीं था साथ ला रहा, पर चले कुछ करते हैं।